नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर ललितपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ललितपुर के दौरे पर रहे। डिप्टी सीएम ने ललितपुर जिले के नाराहट के बरगोरा में लवकुश जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां से अमझरा गौशाला पहुंचे। फिर गौशाला निरीक्षण के बाद अमझरा सरकार हनुमान मंदिर में डिप्टी सीएम ने दर्शन पूजन किया। खबर पीलीभीत से है, जहां त्योहारी की छुट्टियों में सरकारी कार्यालय तो खुले, लेकिन अफसर और कर्मचारी नदारद दिखे। इस दौरान डीएम ने डीआईओएस कार्यालय, शारदा सागर खंड चकबंदी कार्यालय, श्रम प्रवर्तन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, तो उन्हें 45 अफसर और कर्मचारी अनुपस्थित मिले। डीएम ने सभी का एक एक दिन का वेतन काटने का आदेश देते हुए सभी से स्पष्टीकरण तलब किया है। मेरे द्वारा आज सुबह 10:05 में चार कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया, और कार्यालय में मेरे द्वारा विशेष रूप से उपस्थिति चेक की गई है। इसमें मेरे द्वारा सिंचाई विभाग का ऑफिस देखा गया और वहाँ पे काफ़ी कर्मचारी उपस्थित पाए गए, लगभग 2/3 कर्मचारी वहाँ पे अनुपस्थित थे। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक का ऑफिस चेक किया गया, वहाँ DIO और उनके 5 कार्मिक उपस्थित थे। इसके अलावा मैंने चकबंदी और श्रम विभाग का भी ऑफिस देखा, तो चकबंदी में भी कई कर्मचारी अनुपस्थित थे, और जो SOC और CEO है चकबंदी, वो भी वहाँ पर अनुपस्थित मिले। श्रम प्रवर्तन अधिकारी का ऑफिस देखा गया, वहाँ पे श्रम परिवर्तन अधिकारी उपस्थित थी, लेकिन उनके ऊपर स्टाफ अनुपस्थित थे, और सभी के विरुद्ध एक दिन का वेतन रोकने की कार्यवाही की गई है और सभी के स्पष्टीकरण जारी किए गए। खबर सहारनपुर से है, जहां नदी में मिट्टी खोदने गई दो महिलाएं मिट्टी के ढाक गिरने से दब गई। नदी में मिट्टी खोदते वक्त ये हादसा हुआ है। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने महिलाओं को बाहर निकाला। दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घायल महिलाओं को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला थाना मिर्जापुर क्षेत्र के पंडाली नदी का बताया जा रहा है। खबर सीतापुर से है, जहां थाना हर गांव क्षेत्र के कौरवा गांव में कुछ दबंग किस्म के लोगों ने दलित समुदाय के लगभग 150 लोगों का रास्ता बंद कर दिया। ग्रामीणों ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर के न्याय की गुहार लगाई है। गांव वालों का ये आरोप है कि जिन लोगों द्वारा रास्ता बंद किया गया है, वो जमीन ग्राम सभा की जमीन है, उसके बावजूद रास्ता बंद किया जा रहा है। गाँव वालों का आरोप है कि थाने में प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खबर बस्ती से है, जहां जिले के मुंडेरबा कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज लोगों ने लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का विसर्जन रोक दिया। दरअसल लोग मुंडेरबा थाने का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। लोगों के आक्रोश और मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थाने की पुलिस फोर्स लगा दी गई। जब उच्च अधिकारी पहुंचे और 3 दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, तब जाकर के लोग माने और मूर्ति विसर्जन किया। अट्ठाईस एवं 29 अक्टूबर की रात्रि में 12 बजे जनपद बस्ती के थाना मुंडेरवा में कस्बे की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का विसर्जन चल रहा था। मूर्ति विसर्जन जुलूस में आखिरी मूर्ति निकल रही थी, उस समय पुलिस ने उनको तेजी करने के लिए बोला। इसी क्रम में पीछे चल रहे जनरेटर का पहिया एक बच्ची के पैर पर चढ़ गया, जिसके बाद वहाँ पर भीड़ आक्रोशित हो गई और उन्होंने पुलिस के ऊपर अभद्रता का आरोप लगाया। इस संबंध में उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच करके पब्लिक को समझा बुझा करके सभी मूर्तियों का सकुशल विसर्जन कराया है। प्रथम दृष्टया अधिकारियों की रिपोर्ट में 3 पुलिसकर्मियों की दोष परिलक्षित हुआ है, जिसमें से एक SI को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और 2 कांस्टेबलों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण की जाँच CEO के द्वारा की जा रही है। मूर्ति विसर्जन सकुशल हो गया है, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अगली खबर अमेठी से है, जहां पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान पर बिना विकास कार्य किए पैसे निकालने का आरोप लगा है। वहीं 2 ग्राम पंचायत सचिव पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान पर मजदूरी का पैसा हड़पने का भी आरोप लगा है। जांच के बाद मामले का खुलासा करते हुए SDU पंचायत सुरेंद्र प्रताप सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। ये पूरा मामला शुक्ल बाजार क्षेत्र के एकतापुर गाँव का बताया जा रहा है।
यूपी के फतेहपुर जिले में खाद न मिलने से किसान परेशान है। आज किसानों ने खाद न मिलने पर जमकर हंगामा किया। किसानों ने आरोप लगाया है कि वो सुबह 11 बजे से खड़े थे लेकिन उन्हें शाम 5 बजे तक खाद नहीं मिला, जिससे किसानों ने खाद वितरण प्रभारी पर कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। हम 11 बजे से खड़े थे, मशीन खराब थी, लाइन में लगे थे, नंबर आया तो बोले कि नहीं अपना आधार कार्ड लेके आओ, घर का आधार कार्ड लेके आओ। जब हम घर का आधार कार्ड लेके आए तो बोल रहे कि आधार कार्ड जमा हो गए, अब अभी लाइन में लगे रहो, बाद में देंगे देख के। अब जब बाद में नंबर आया तो दो तीन आदमी और अंदर से खाद लेके चले गए, अंगूठा लगा के बाहर वाले ही खड़े ही है। अरे हम करीब 2:30 बजे, 2:30 बजे से इतनी समय 5 बज रहा अभी तक नहीं मिली, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मशीन रुक रुक जाती कह रहे हैं, कल कह रहे हैं फिर अभी चौफेरा से कहना, अभी रुको थोड़ी देर, फिर चौफेरा से आए तो रुके हैं, फिर कहे रुको थोड़ा, फसल बोने में दिक्कत हो रही है। हाँ दिक्कत तो है, सूख रहे हैं खेत, उनको तो सूख जाए तो बाद में कहा। खबर अलीगढ़ से है, जहां रात में भरी सड़क सुबह होते ही उखड़ना शुरू हो गई। मौके पर ग्रामीणों ने काफी हंगामा किया। दरअसल घटिया निर्माण कार्य से नाराज होकर के स्थानीय लोगों ने बाजार बंद करने का भी ऐलान किया। वहीं मौके पर पहुंचे ईओ, चेयरमैन और ठेकेदार से लोगों की जमकर नोकझोंक हुई। लोगों ने सड़क को फिर से बनाने की मांग की है। खबर बिजनौर से है, जहां एसपी दिनेश सिंह के निर्देशन में जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान में चांदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोर गिरे के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्तों से पुलिस ने चोरी किए गए वाहन, तमंचा, चाकू भी बरामद किए हैं। देखिए, जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चांदपुर पुलिस द्वारा एक अंतरराज्यीय वाहन चोरों के गैंग को पकड़ा गया है, जिसके 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनमें पवन पाल, गजेंद्र सैनी और हिमांशु पाल, ये 3 हैं। जिसमें एक गजेंद्र जो है वो फैजुल्लागंज ठाकुर द्वारा करने वाला है और पवन पाल ये चाँदपुर के हैं और हिमांशु पाल सुहागपुर धामपुर के हैं। इनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद हुई है। ये लोग जो है, इनसे जब पूछताछ किया गया तो लोगों ने बताया कि हम लोग इसको जो है इसका नंबर चेंज करके और इसको सस्ते दामों पर जो है लोगों को बेच देते हैं, 5 से 10 हज़ार रुपये में जो भी तत्काल कीमत मिल गई उसमें बेच देते हैं। अगली खबर देवरिया से है, जहां जिले के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में बनियन ग्राम सभा में पूर्व विधायक सुरेश तिवारी ने अपनी ही भूमि में 52 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की। सुरेश तिवारी ने कहा है कि यह प्रतिमा हनुमान जी का बृहद स्वरूप है, जो श्रीलंका में राक्षस के जनसंहार के लिए विकराल रूप धारण किया था। आज प्रकांड पंडितों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हजारों लोगों में प्रसाद वितरण किया गया। केदार घाटी में आ रहे एवलांच पर एक्सपोर्ट कमेटी ने बड़ा खुलासा किया है। कमेटी ने भविष्य में इस क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण कार्य को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है। बता दें कि सितंबर और अक्टूबर महीने के केदार घाटी में 3 हिमस्खलन की घटना देखी गई। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों पर आ रहे एवलांच एक गंभीर समस्या बनी है। हिमस्खलन की घटना के बाद राज्य सरकार के त्वरित एक्शन लेते हुए धरातलीय निरीक्षण और अध्ययन के लिए टीम गठित की गई है। आजकल विकासखंड नारायण बगड़ के पालचुनी गांव में मां राजराजेश्वरी भगवती दुर्गा का नवरात्र का हर्षोल्लास से आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं का देवी देवताओं के दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ रही है। आज नवरात्र के दिन महाचुनी गांव से बाजे गाजे के साथ देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह और पाशुओं सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने नारायण बगड़ बाजार के मध्य बह रही पवित्र पिंडर नदी के गंगा जल में स्नान किया। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमें इस का मौका दिया
तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूर्व काल से बहुत पहले से हमारे गांव में नवरात्रे होते हैं माँ भगवती के, तो इसमें सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। आज हम पंचमी के महापर्व पर यहाँ पिंडर नदी में गंगा स्नान के लिए आए थे और यहाँ पर फिर देव डोलियाँ जो भी हैं यहाँ टेंडुरा मानुरा होते हुए और फिर ग्राम पालसुनी में शाम को चली जाएंगी। अपने गांव हम ग्राम पंचायत ग्राम सभा पालसुनी से हमारा ये नवरात्र जो कार्यक्रम चल रहा है 26 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ है और आज पंचमी के दिन हम गंगा स्नान के शोभा यात्रा के साथ यहाँ पे सारी महिलाएं और सारे जितने भी हमारे ये दिन पर देवता अवतरित होता है वो सारे लोग गंगा स्नान के लिए यहाँ नानगढ़ पहुँचे हैं और वहाँ से नान भगवान के मंदिर से होते हुए विभिन्न गांव में जैसे टेंटोड़ा मानूर सलदार व मानूर होते हुए हम डौल पहुँचेंगे। और मेरा सभी भक्तजनों से जो भी भक्तजन हैं माँ जगदम्बा के वो उनसे निवेदन है कि आप लोग एक बार गांव में आकर के अपनी भेंट व माता के दर्शन करने जरूर आए ताकि हमको आप लोगों का आभार प्रकट करने का मौका मिले। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि संपूर्ण जो हमारी नानगढ़ क्षेत्र की जनता है यहाँ हमारे ग्राम पालसुनी में आकर के जरूर माँ जगदम्बा के दर्शन करेंगे और हमको कृतार्थ करेंगे। आपका भी धन्यता जी बहुत बहुत धन्यवाद। रुड़की में न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का बड़ा असर, इकबालपुर क्षेत्र में गन्ना कोल्हुओं पर प्रशासन की बड़ी छापेमारी की गई है। प्रशासन की छापेमारी से गन्ना कोल्हुओं में हड़कंप मच गया है। रबड़ प्लास्टिक कचरा जलाने वाले कोल्हुओं पर छापेमारी की गई है। प्रशासन की ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मच गया है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। इस खबर को न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने प्रमुखता से चलाया था। खबर का संज्ञान लेकर प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। यूपी में लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसी के चलते जिले में पुलिस की पैरवी पर 5 साल। अदालत ने गैंग रेप के 2 आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है। बता दें कि जिले में गैंग रेप के 2 आरोपियों राजकुमार और प्रेम को एडीजी कोर्ट ने ना सिर्फ 20-20 साल की कारावास की सजा सुनाई बल्कि दोनों आरोपियों पर 8,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पूरा मामला धनारी थाना क्षेत्र के से जुड़ा है जहाँ 6 फरवरी 2017 को गाँव की महिला के 7 आरोपियों ने दुष्कर्म किया था। घटना दिनांक 6/2/17 की है। पीड़िता अपने खेत से घास लेने गई थी, वहाँ राजकुमार और प्रेम मिल गए जो लेटर के खेत में पीड़िता को ले गए और वहाँ ले जाकर के उन्होंने बारी बारी से बलात्कार किया। मौके पर घास काटने की 2 महिलाओं ने इस घटना को देखा और पीड़िता को बचाया और ये जान से मारने की धमकी देकर के वहाँ मौके से भाग गए थे। हादसा है संभल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है जहां 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला राजपुरा थाना क्षेत्र के बहुआ हसनगंज मोड़ का है। अगली खबर सहारनपुर से है जहां देवबंद में जमियत उलमाए हिंद महमूद मदनी गुट ने सद्भावना संसद आयोजित किया जिसमें सद्भावना संसद में जमियत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय महासचिव हकीमुद्दीन कासमी, बंगाल सरकार के मंत्री सिद्दीकीउल्लाह चौधरी और हिंदू समाज के साथ साथ कई किसान नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि आपसी सद्भाव और देश में पहले नफरत के माहौल को लेकर के इस सद्भावना संसद में चिंतन किया गया।
सहारनपुर में मकान के अंदर महिला का जला शव मिला है। आरोप है कि दामाद ने अपनी सास और पत्नी की हत्या की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि कई दिनों से सास और दामाद में किसी बात को लेकर के विवाद चल रहा था, जिसके बाद दामाद ने सास और पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आजाद समाज पार्टी की लीगल सेल द्वारा देवबंद ने प्रथम अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्ट्रीट हाईवे स्थित एक होटल में किया जा रहा है। कार्यक्रम में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर एंट्री करने से पहले एक कार्ड बनवाना अनिवार्य है, जिसके लिए पैसे भी वसूले जा रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि प्रोग्राम है, लेकिन मेरी जानकारी में कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि अगर देवबंद के अंदर भीम आर्मी का कोई प्रोग्राम होता तो सबसे पहले सूचना मुझे की जाती। मुझे नहीं लगता वहाँ पर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भी आएंगे, क्योंकि अगर वो आते तो शायद हम लोगों को सूचना जरूर होती, इसलिए वो भीम आर्मी का कोई प्रोग्राम नहीं है। किस चीज़ पर, किसका प्रोग्राम है? अभी मैंने जानकारी ली है वकीलों द्वारा, वो वकीलों का अधिवेशन किया जा रहा है, वकीलों का अधिवेशन किया जा रहा है, और उसमें स्पेशली माने तो वकीलों की दावत हो रही है, स्पेशली माने तो वकीलों की दावत की जा रही है, क्योंकि कि वहाँ पर जो प्रोग्राम किया जा रहा है केवल वकीलों का है, और वकीलों का ही खाना पीना है और लोगों की एंट्री नहीं है। जिन लोगों की एंट्री है वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वकील नहीं हैं, लेकिन जो प्रोग्राम किया जा रहा है वो हमारी नॉलेज से बाहर है। वहाँ पर खबर सहारनपुर से है, जहाँ जमीयत उलेमा ए हिंद मदनी गुट द्वारा आज सहारनपुर के देवबंद में सद्भावना संसद मंच का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सद्भावना संसद में जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय महासचिव हकीमुद्दीन कासमी, बंगाल सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी और हिंदू समाज के लोगों के साथ साथ कई किसान नेता मौजूद रहे। इस मंच के माध्यम से देश में सद्भाव और फैलते नफरत के माहौल को लेकर के कई मुद्दों पर चिंतन किया गया। पचास साल पहले हमने देवबंद में तालीम हासिल की, रात देर रात आते थे जाते थे, यहाँ की घेवर मिठाई फिर देवकुंड फिर फला, कभी भेदभाव ने देखा नहीं। देवबंदी लोग भी परेशान हैं, भाई ये कहाँ से आया, ये मुसीबत कहाँ से आई। भाजपा सरकार में नहीं, देखिए मैं इस पोजीशन पर नहीं हूँ कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से कहूँ। मेरी गुजारिश है कि अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत करना चाहते हो मुत्तहिद रहो, हिंदुस्तान का दुश्मन बनना चाहो तो भेदभाव फैलाओ। और मैंने कहा बदनजरी लगी हुई है, दूसरे लोग यहाँ सहारनपुर में जिला खाद्य अधिकारी धीरज सिंह ने कृषि विभाग की टीम के साथ मिलकर के देवबंद के सापला रोड पर चल रही एक फैक्ट्री में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मौके से खाद्य व कीटनाशक दवाएं भी बरामद की गई हैं। कंपनियों के हॉलमार्क के साथ भारी मात्रा में नमक और लाल मिट्टी के कट्टे भी बरामद किए गए हैं। वहीं मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राजा जी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र अंतर्गत गौहरी रेंज में बाघ खाला के पास चंदन के दर्जनों पेड़ों को तस्करों ने उड़ाया, मगर पार्क प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामला मीडिया के सामने आया तो पार्क प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले में अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। देखो अभी आप लोग बता रहे हैं ये चीज मेरे संज्ञान में आई है, तो अभी मैं मौके पे जाऊंगा और देखूंगा वहां पे कि किस प्रकार से कौन से पेड़ों पे या कितने पेड़ों पे ये चीज कार्रवाई हुई है, तो उसके अनुसार ही मैं आगे की इसमें जांच करूंगा और देखूंगा कि कौन से पेड़ कटे हैं। ये अभी मैं आगे इस पे तभी जब जांच होगी तो तभी बता पाऊंगा। हेट स्पीच में आजम खान के सजा मामले पर संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि आजम खान का हेट हरासमेंट किया जा रहा है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए अदालत के आदेश पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।
एसपी सांसद ने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो सब इशारे पर हो रहा है, जो डील होती है वो भी आदेश के बाद होती है। सांसद का सीधा इशारा सरकार पर था, सरकार जो चाह रही है वही आजम के साथ हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ बड़ इंडिया।